बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। यह तय कर दिया जाएगा कि बिहार में कब से चुनाव होने वाले हैं, कितने फेज में चुनाव होंगे। इस बात की जानकारी सभी दलों को स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 29 नवंबर से पहले पहले बिहार चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो इसी हिसाब से तमाम बिहार के राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। कई नेताओं का दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। हर कोई अपने सहूलियत के हिसाब से पाला बदल रहा है। आज भी कई नेता जदयू में शामिल हुए तो राजद, कांग्रेस और रालोसपा जैसी पार्टियों को झटका लगा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता का भी साथ अब छूट गया है, जिससे पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन इस बीच जो बिहार की सियासत में चर्चा हो रही है, वैसे नेताओं की जो हमेशा बरसात की तरह दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार के दो ऐसे लीडर की जिनकी चर्चा हर वक्त चुनाव के समय की जाती है और उसके बाद उनकी तलाश की जाती है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज चुनावी रणनीतिकार और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की, और दूसरे नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार की। ये दो ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा जब होती है तो बहुत जोर शोर से होती है, लेकिन चुनाव के बाद फिर यह कहाँ गायब हो जाते हैं, लोग इन्हें ढूंढने लगते हैं, फिर ये मिलते भी नहीं हैं। हालांकि ये लोग ट्वीट के जरिए एक्टिव दिखाई पड़ते रहे हैं, लेकिन अगर अभी के ट्वीट की बात कर लें तो दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है। प्रशांत किशोर ने 20 जुलाई को ट्वीट किया था और 21 जुलाई को, लेकिन उसके बाद से दोनों की ना कोई सोशल मीडिया पर गतिविधि है, ना ही किसी चुनावी ज़मीन पर दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि चुनावी हवा बांधने की यह कोशिश ज़रूर की गई थी कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव का समर्थन करने, उनकी रैली में उन्हें सपोर्ट करने बिहार आएंगे और लेफ्ट के साथ राजद मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव का साथ देंगे और बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए हम दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की, फिर कन्हैया की बात करेंगे। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर को जदयू ने अपने पार्टी से निकाल दिया था। दरअसल प्रशांत किशोर CAA एक्ट बनने के बाद वो लगातार NDA पर हमलावर थे। उन्होंने नीतीश कुमार से अपील की थी कि आप इसमें भाजपा का साथ ना दें। वह इस मामले पर नीतीश कुमार से मिले भी थे। उसके बाद लगातार बैक टू बैक ट्वीट कर वह केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार के स्टैंड के खिलाफ वो खड़े हो गए। तो एक ही पार्टी में रहते हुए अलग अलग स्टैंड रखने के कारण उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे फिर अपने चुनावी रणनीति में भिड़ गए। हुआ कुछ दिन बाद यह कि वे बिहार आते हैं और बिहार में बड़ी घोषणा करने की बात कहते हैं, लेकिन घोषणा में यह पता चला कि वह बात बिहार के कार्यक्रम के जरिए बिहार में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाखों युवा को जोड़ेंगे और उसके साथ ही बिहार को एक युवा चेहरा तैयार करके देंगे। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया तो ऐसे प्रशांत किशोर महीनों से गायब दिख रहे हैं, चुनावी गतिविधियों से दूर दिख रहे हैं। चर्चा यह है कि कई चुनाव जिता चुके प्रशांत किशोर इस बार बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। वहाँ की तैयारी में ममता बनर्जी की मदद कर रहे हैं कि कैसे वहाँ चुनाव जीता जा सके, लेकिन सामने सामने बिहार का चुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार को बदलने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार से खफा प्रशांत किशोर, वह अभी बिहार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक वक्त था जब वो नीतीश कुमार के मुंह लगवे बने हुए थे, तो उस वक्त जदयू में उनकी भूमिका बड़ी थी, उन्हें कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा मिल गया था। इसके अलावा वह जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। परिस्थितियां बदली, वह बागी होने लगे, तो जिसके बाद जदयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक वक्त था जब बिहार के कुछ गांवों में घूमते हुए मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने एक एरोगेंस वाले नेचर में कहा था कि जब मैं बिहार में और देश में PM और CM बना सकता हूँ तो आप लोगों को मुखिया विधायक क्यों नहीं बना सकता हूँ। जब ऐसे सवाल जब जदयू के पास पहुँचे तो इस पर जदयू ने उनके बयान से पल्ला तक झाड़ लिया था, कहा यह उनकी निजी राय हो सकती है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद से ही यह खबर सामने आने लगी थी कि जदयू का
कई गुट ऐसा है जो प्रशांत किशोर से खफा है, उन्हें वह तवज्जो नहीं देना चाहता है जो नीतीश कुमार उन्हें दे रहे हैं। धीरे धीरे यह तस्वीरें साफ हो गई, जिसके बाद प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन ऐसा लगा था कि प्रशांत किशोर कोई बड़ा धमाका करेंगे, बिहार की सियासत में अलग पहचान बनाएंगे, अलग चीज़ें होंगी, लेकिन बिहार चुनाव आते आते सब कुछ हवा हवाई दिख रहा है। प्रशांत किशोर जमीन पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे बड़े नेता की, कन्हैया कुमार, जिनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं। ऐसे कन्हैया कुमार जो बेगूसराय में लोकसभा चुनाव तक लड़े थे और चुनाव लड़ने के तुरंत बाद ही वह गायब भी हो गए थे, तो इस कन्हैया कुमार की तलाश एक बार फिर बिहार की जनता कर रही है कि आप सिर्फ मौसम बनाने आते हैं या जमीन पर भी काम करना चाहते हैं। कन्हैया कुमार पर इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं कि आप रैली करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बिहार समस्याओं से जूझ रहा होता है तो उस वक्त आप कहीं नहीं दिखाई पड़ते। ना आप बाढ़ जैसी संकट में दिखाई पड़ते हैं, ना कोरोना जैसी विपदा में दिखाई पड़ते हैं, ना ही बिहार जब चमकी बुखार जैसी समस्याओं से जूझ रहा होता है तो उस वक्त आप मैदान में दिखाई पड़ते हैं, आप किसी सिचुएशन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। यह सवाल जनता के मन में लगातार उठती रहती है कि आखिर कन्हैया कुमार इस वक्त कहाँ गायब हो जाते। तो इन पूरे समीकरणों को देखा जाए तो कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर कमोबेश दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, जो चुनाव के समय दिखते तो हैं लेकिन इस बार चुनाव नज़दीक आते आते भी यह दोनों अभी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब चुनावी घोषणा हो जाए तो उसके बाद आपको कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के साथ रैलियां करते दिख जाएं, प्रशांत किशोर कुछ ट्वीट करते दिख जाएं। लेकिन फिलहाल जो यह स्थिति दिख रही है कि बिहार में जो अगर युवा चेहरे की बात कर लें, युवा नेतृत्व की बात कर लें, जिसकी बात लगातार प्रशांत किशोर करते आ रहे थे, वह दिख तो नहीं रहा है, लेकिन चिराग पासवान जैसे युवा नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। बिहार को एक युवा दलित चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा सामने मिलता दिख रहा है। वहीं महागठबंधन की बात कर लें तो वहां पर तेजस्वी यादव जैसा युवा नेतृत्व सामने दिख रहा है। बिहार एनडीए में कोई ऐसा बड़ा चेहरा अब तक नहीं था, सारे चेहरे थे तो वह व्यस्त चेहरे थे और नीतीश कुमार एकमात्र चेहरा एनडीए से दिखता था। लेकिन इस बीच ऐसा माहौल भी तैयार हुआ है और जिस हिसाब से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, वह यह साफ बता रहा है कि चिराग पासवान एक बड़े चेहरे के रूप में बिहार में उभरना चाहते हैं। इसमें उनके पिता रामविलास पासवान भी लगातार साथ दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात कर लें तो वह काफी पहले से सीएम बनने की महत्वाकांक्षा लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि वो महागठबंधन में सर्वसम्मति से यानी फुल एक्सेप्टेंस की अगर बात कर लें तमाम सहयोगी दलों से तो अभी भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि राजद के अंदर भी अंदरूनी गतिविधि ऐसी है कि तेजस्वी यादव से हर कोई सहमत नहीं है, कई बड़े नेता, कई पुराने नेता उनसे खफा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां यह बन रही हैं कि जिन दो बड़े नेताओं से उम्मीद थी, एक जो बैक से पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, वो मैदान में नहीं दिख रहे, और एक जो खुलकर सामने आते हैं कन्हैया कुमार, वो भी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। तो दोनों नेताओं की उपस्थिति अगर जनता उन्हें खोजती है तो इस वक्त शायद वो क्या जवाब देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही वो कहीं दिख रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर, ना जमीन पर। तो इसमें ऐसे में इंतजार है कन्हैया कुमार की और प्रशांत किशोर की कि इस चुनाव में अपनी भागीदारी अगर दिखाते हैं तो शायद बिहार की चुनावी हवा कुछ और बदल सकती है। रिपोर्ट प्रिंट डॉट इन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।